तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी का बहुत ही टेस्टी पराठा। सबसे पहले हम आटे का डो लगाएंगे। यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई मेथी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन हाथों से क्रश करके, साथ ही में डालेंगे हींग और एक चम्मच देसी घी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और गुनगुने पानी से इसका आटे का डो लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। स्टफिंग बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ लिए हैं बॉईल किए हुए आलू, फिर से ली है मेथी बारीक कटी हुई, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक, डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग, भुना हुआ जीरा हाथों से क्रश करके, नमक इसमें हम जब डालेंगे जब हमें पराठे बनाने हैं। स्टफिंग बनके तैयार है और अब हम बना लेंगे पराठे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूरी की तरह इसको बेल लिया है, इसमें स्टफिंग भर दी है, अच्छे से रैप कर लेंगे। फ्रेंड पराठे बनाते समय मैंने इसमें नमक मिला दिया था। इसको पराठा हम बना लेंगे और इसको तवे पर डाल देंगे। आप जिस भी रिफाइंड ऑयल या देसी घी जिससे भी पराठे बनाते हैं उसके ऊपर लगाइए और क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।